नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। और आज मैं लेकर के आया हूँ झारखंड साहित्य के टॉप 50 क्वेश्चन पार्ट टू। जी हाँ, पार्ट वन जिसमें 20 क्वेश्चन थे वो मैंने पहले ही लोड कर दिए हैं, जो कि झारखंड और हिंदी साहित्य से जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं झारखंड की भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है और वो क्या क्या है। तो झारखंड की भाषाओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है भारोपी भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है मुंडा भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार में आपको हिंदी, नागपुरी, खोटा, कुरमाली, पंचप्रगणिया आदि। द्रविड़ भाषा परिवार में आपके कुड़ुक, उराव, पहाड़िया, मालतो, इटीसी। और मुंडा भाषा परिवार में मुंडारी, संथाली, खड़िया, हो। आइए अब जानते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि पंचप्रगणिया भाषा के अंतर्गत ये कौन से क्षेत्र आते हैं। तो जानना चाहिए कि जो पंचप्रगणिया है उसमें पांच जो क्षेत्र हैं वो है बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातु और सिली। तो आइए अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है झारखंड की भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जैसा आपको पता है झारखंड की भाषाओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो झारखंड की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। किस जनजातीय भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है। जी हाँ, तो वो है संथाली। और आपको बताते चले कि ये 92nd अमेंडमेंट 2003, जी हाँ, 92वां संशोधन 2003 के अंतर्गत ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सोसोबोंगा किस जनजाति के विश्वासों, मूल्यों और प्रथाओं पर प्रकाश डालता है। तो सोसोबोंगा जो है ये मुंडाओं की इतिहास और उनके प्रथाओं पर इतिहास डालता है, प्रकाश डालता है। और ये एक बैलेंड के रूप में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सोसोबोंगा किस प्रकार के रूप में है। तो सोसोबोंगा एक प्रकार का बैलेंड है। जी हाँ, ये एक साहित्य के लिखने के तरीका है, बैलेंड। आगे बढ़ते हैं, संताली भाषा की लिपि ओलचिकी के आविष्कार कौन है। जी हाँ, तो इनके आविष्कारक हैं गुरु गोमके, जिनका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिसे गुरु गोमके भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, होट संवाद किस जनजातीय भाषा की पत्रिका है। तो होट संवाद जो है वो संथाली भाषा का पत्रिका है। प्यारा करकेट्टा किस जनजातीय भाषा का रचनाकार थे। तो जानते हैं कि प्यारा करकेट्टा खड़िया भाषा के रचनाकार थे। लोकोबेद्रा, जी हाँ, बहुत फेमस है ये। लोकोबेद्रा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे। तो लोकोबेद्रा हो भाषा के पत्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है मुंडा जेंडर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, बहुत फेमस बुक है ये और इनके लेखक है डॉक्टर शरद चंद्र राय। आगे, किस पत्रिका ने जनजातीय रचनाकारों की कई पीढ़ी तैयार करके भूमिका अदा की। तो ये है पत्रिका आदिवासी। जी हाँ, ये 3 जनवरी 1947 को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बांसुरी बज रही के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी हाँ, तो ये है, इनका आंसर होगा जगदीश त्रिगुनायत। याद कैसे रखेंगे कि देखिए, जब भी बांसुरी बजती है तो वो तीन यानी कि तीन लोकों में सुनाई देती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि बांसुरी बज रही उनके लेखक हैं जगदीश त्रिगुनायत। आगे बढ़ते हैं, लोकोबेद्रा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे। जैसा कि पहले बता चुके हैं, ये हो भाषा परिवार के रचनाकार थे। लील खेर से खेल, जी हाँ, ये उराव का जनजातीय पुस्तक है और इनमें 2600 जो लोकगीत संग्रहित हैं। आगे बढ़ते हैं, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है। तो जी हाँ, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक हैं फादर हॉफमैन। आगे बढ़ते हैं, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मुंडारी टूडू कोठारी के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंडारी टूडू कोठारी के लेखक हैं मनमसी मुंडू। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज, जो संथाल पर भाषा लिपि पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है, वो किस वर्ष लिखी गई थी। जी हाँ, तो ये 1852 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ए सिंपली सदानी ग्रामर के लेखक कौन है। जी हाँ, तो इसके आंसर है शांति नवरंगी। आगे बढ़ते हैं, श्रीनिवास पाणूरी किस भाषा के रचनाकार थे। तो श्रीनिवास पाणूरी खोटा भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे। जी हाँ, तो इनके संपादक थे बालकृष्ण सहाय। और ये पत्रिका शुरू हुआ था 1898 से जो 1905 तक चला था। आगे बढ़ते हैं, पहला उपन्यास, झारखंड का पहला उपन्यास किसे माना गया है। तो जी हाँ, झारखंड का पहला उपन्यास है राजपूती शान। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस व्यंगकार ने
1929-1930 के दौरान हिंदी हास्य व्यंग के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन किया था। जी हाँ, तो ये बहुत ही फेमस पत्रकार व्यंगकार हैं ये, जिनका नाम है राधा कृष्ण। बताते चले कि प्रेमचंद ने इनकी बहुत तारीफ की है। आगे बढ़ते हैं, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास। जी हाँ, संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास है हड़ाम वाक वातो, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे? जैसा बता चुके हैं, बालकृष्ण सहाय थे। 1898 से 1905 तक चला था ये। आगे बढ़ते हैं, नारी जाति पर केंद्रित पत्रिका वनिता हितैषी कब से प्रारंभ हुआ? जी हाँ, तो ये सितंबर 1892 से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर पत्रिका कब से निकलना शुरू हुआ था? तो बताते चले, छोटा नागपुर पत्रिका 1924 से निकलना शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जी हाँ, तो ये शुरू हुआ था 1852 में। यही अगर पूछे कि एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज कब शुरू हुआ था, तो हुआ था 1874 में, जबकि खैरवार आंदोलन चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन भी आ गया, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो ये 1874 में। आगे बढ़ते हैं, जनजातीय के बीच संपर्क भाषा कौन सी क्षेत्रीय भाषा है? जी हाँ, तो इसमें पंच परगनिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नारी जाति पर केंद्रीय पत्रिका वनिता हितैषी कब से शुरू हुआ था? तो जैसे पहले बता चुके हैं, ये सितंबर 1892 से शुरू हुआ था। छोटा नागपुर पत्रिका कब से निकलना शुरू हुआ? जी हाँ, तो ये 1924 में शुरू हुआ था। और इसको निकालने वाले कौन थे? तो मैंने जैसे कल बताया था पिछले वीडियो में, पार्ट वन में, कि छोटे मामा, याद रखेंगे आप, छोटे मामा ममराज शर्मा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की किस कहानी से प्रभावित होकर प्रेमचंद ने उसके संबंध में टिप्पणी की थी? मैंने पहले बताया था जी, वो है राधा कृष्ण, क्योंकि प्रेमचंद उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। राधा कृष्ण झारखंड से ही है। आगे बढ़ते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जैसा पहले बता चुका है कि इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज जो है वो 1874 में हुआ था, लेकिन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज हुआ था वो हुआ था 1852 में। आगे बढ़ते हैं, जनजातियों के बीच संपर्क भाषा बता चुके हैं पंच परगनिया। झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या था? जी हाँ, तो झारखंड की पहली पत्रिका जो एक मासिक पत्रिका थी वो थी घर बंधु। तो आशा करते दोस्तों, मुझे आशा है अगर आप ये पार्ट वन और पार्ट टू, ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चंस हैं, अगर ये 50 क्वेश्चंस कर जाते हैं तो आपके पास झारखंड के हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आज आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अगली बार ऐसे ही कुछ और टॉपिक पर वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।